दोस्तों एक और नई प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 12 यानी कि सीबीएसई को लेकर के। जितने भी दोस्तों अपने पास में टॉपिक्स होते हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस में, उन सभी टॉपिक्स को दोस्तों हम लोग यहां एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सिलेबस। तो मैं यहाँ आपको साथ साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट आपको कितने मार्क्स देने वाली है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन से अपने पास जो है क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और एक पर्टिकुलर यूनिट आपको कितने मार्क्स दे सकती है। तो दोस्तों अपना जो पेपर होता है वो होता है यहाँ पर 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स अपने पास आते हैं प्रैक्टिकल को लेकर के। तो जो दोस्तों जो अपने पास थ्योरिटिकल पार्ट है उसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, यानी कि हमने क्लास 11th के अंदर अपने कुछ पाइथन के कंटेंट को पढ़ रखा होगा। अब उसी कंटेंट को वापस एक बार रिवाइज करने के बाद कुछ एडवांस टॉपिक हम लोग यहां पर देखने वाले होंगे, और उसके साथ साथ हम यहां पर बात करेंगे कि पाइथन को यूज करते हुए कैसे हम अपना डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम दोस्तों अपना डेटा किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं, अगर कोई एरर आती है तो उस एक्सेप्शन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे अपने पार्ट वन के अंदर, यानी कि यूनिट वन के अंदर। दोस्तों ये जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको देती है यहाँ पर 40 मार्क्स, मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों 70 में से आपके पास 40 नंबर तो यहीं से आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर है अपने बुक के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ ये जो अपने पास में कंप्यूटर नेटवर्क है, ये कंप्यूटर नेटवर्क आपको देता है कुल मिलाकर के 10 नंबर। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे 10 मार्क्स आपके पास आएंगे कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स क्या है, नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, इसी टाइप से नेटवर्क का आर्किटेक्चर यानी कि मॉडल क्या होता है, नेटवर्क की टोपोलॉजीज क्या है, अगर हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है, सिक्योरिटीज क्या रहती है, इंटरनेट के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी हमको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं डीबीएमएस को लेकर के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के बात करें तो दोस्तों ये अपने पास होती है 20 मार्क्स की। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, यानी कि दोस्तों डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में कैसे हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उस डेटा को किस तरीके से हम लोग फिर से फैच यानी कि सेलेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड जो भी है वो सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अगर अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल को लेकर के, तो प्रैक्टिकल अपने पास होता है 30 मार्क्स का, यानी कि यहां से अगर अपन ये देखें तो दोस्तों ये आपके पास 40 प्लस 10 प्लस 20 हो चुके हैं, यानी कि 70 मार्क्स का पेपर आपका ये हो चुका है, यानी कि 70 आपके पास होता है यहाँ पर थ्योरी को लेकर के और प्रैक्टिकल आपके पास होता है ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका पेपर है दोस्तों वो हो जाएगा 100 मार्क्स का। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा पैटर्न कुछ कैसा रहेगा, ठीक है, यानी कि कौन सी यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स अपने पास आ सकते हैं, इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ अपन पहले बात करते हैं कि आखिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड जो प्रोग्रामिंग पार्ट 2 है इसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे जो कि क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के टोकन्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर अपन एक सैंपल प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से कौन कौन से डेटा के टाइप्स होते हैं, हम कैसे डेटा को इनपुट कर सकते हैं, कैसे डेटा का आउटपुट जाता है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिस्ट क्या है, या हमारे पास कह सकते हैं टपल क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, डिक्शनरी क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके कवर करेंगे। अब इसके बाद अपने पास आता है थोड़ा एडवांस पार्ट जो क्लास 12 से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस को लेकर। तो फंक्शंस जो होते हैं उसके अलग अलग टाइप भी हैं, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस है ना अपने पास में, या फिर फंक्शनल डेफिनेशन इन मॉड्यूल्स है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, हम पहले से कुछ जो डिफॉल्ट फंक्शंस हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स भी होते हैं आपके पास उनको भी हम लोग यहाँ इंपोर्ट करके उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, और हम हमारे खुद के भी फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ क्रिएटिंग एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस देखेंगे, कैसे हम हमारे फंक्शंस बनाएंगे, कैसे हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स को पास करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसी टाइप से पोजिशनल पैरामीटर्स क्या है, फंक्शनल रिटर्न जो अपने पास होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो अपनी कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे।
फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है, यानी कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेकर के, जिसमें बात करेंगे कि आखिर अपने पास एक्सेप्शन क्या होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। इसी टाइप से उसके अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक को लेकर के कि किस तरीके से हम इनको यूज कर सके। फाइनली हम और आगे जाते हुए देखेंगे फाइल हैंडलिंग आएगा, जिसमें हम बात करेंगे फाइल्स क्या होती है, फाइल के अलग अलग टाइप है। इसी टाइप से रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ, यानी कि जब हम लोग फाइल को ओपन करते हैं तो उसका पूरा पाथ हम लोग बताएंगे। कुछ दोस्तों अपने पास टेक्स्ट फाइल्स भी होती है, कुछ अपने पास में बाइनरी फाइल्स भी होती है। तो अपने पास टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, राइटिंग एंड अपेंडिंग, उसके ऊपर डेटा को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एंड में जाके लिखना चाहें तो कैसे आप उसमें अपेंड कर सकते हैं, डेटा को कैसे आप रीड कर सकते हैं। इसी टाइप से कुछ फंक्शंस हैं, सीक है, टेल है। तो टेल फंक्शन ये बताता है कि हमारा अभी कर्सर पोजीशन जो है वो क्या है। सीक में आप अपने पोजीशन की पर्टिकुलर वैल्यूज आप सेट करके अपने कर्सर को वहां भेज सकते हैं। इसी टाइप से मैनिपुलेशन ऑफ डेटा है ना, फाइल्स कह सकते हैं, तो फाइल के अंदर आपको डेटा को मैनिपुलेट करना चाहे कर सकते हैं। बाइनरी फाइल्स के ऊपर भी आप अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पिकल मॉडल के अंदर के कुछ फंक्शंस को लेकर के, जो की है डंप और लोड फंक्शन। ऐसे ही दोस्तों हम बात करेंगे सीएसवी फाइल क्या होती है, सीएसवी फाइल के अंदर किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते, कैसे रीड करते। तो ये सारे टॉपिक्स अपने पास होंगे। इसी टाइप से हम नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें आएगा अपने पास डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर स्टैक को लेकर के, स्टैक क्या होता है, स्टैक को किस तरीके से हम लोग यूज करते। तो डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, स्टैक। वैसे स्टैक भी होता है, क्यू भी होता है, और भी अपने पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट अपने कोर्स में दोस्तों केवल स्टैक है। और इसमें हम बात करेंगे पुश और पॉप को लेकर के। पुश का मतलब होता है डेटा को इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब होता है उस डेटा को डिलीट करना। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपन जाएंगे दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अपने कोर्स में है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो फर्स्ट नेटवर्क शुरू हुआ था आर्पानेट, उसके बाद एनएसएफनेट, उसके बाद इंटरनेट जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी टाइप से कुछ नेटवर्क के टर्म्स को लेकर के हम बात करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है, आप किस तरीके से अपने डेटा की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, स्विचिंग की टेक्निक्स क्या है, जैसे कि सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग भी होता है, और अपने पास पैकेट स्विचिंग भी होता है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया को लेकर के, जो कि वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकती है। तो वायर्ड मीडिया में हम बात करेंगे यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल को लेकर के, या हम बात करेंगे कोएक्सियल केबल को लेकर के, फाइबर ऑप्टिक केबल को लेकर के। ऐसी दोस्तों वायरलेस जो अपने पास आएगा, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे वायरलेस टेक्निक होती है, जैसे कि रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, या आपके पास सैटेलाइट है, इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है। इसी टाइप से नेटवर्क डिवाइसेस में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मॉडेम क्या होता है, इथरनेट कार्ड क्या होता है, RJ45 कनेक्टर, या फिर रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ऐसे बहुत सारे आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स, जिसको हम लेकर के बात करने वाले हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर, यहाँ पर नेटवर्क के जो अलग अलग टाइप होते हैं, ये दोस्तों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि पैन है, लैन है, मैन है और वैन है। इसी टाइप से कुछ टोपोलॉजी से, यानी कि फिजिकली आपका नेटवर्क कैसे बना है, तो इसमें अपन देखते हैं बस है, स्टार है, ट्री है, रिंग है, मैश है, या हाइब्रिड टोपोलॉजीज हैं, तो इनको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ऐसे दोस्तों नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जैसे कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास में जो कह सकते हैं POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, आपके पास टेलनेट है, या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल है, जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही वेब सर्विसेज हैं दोस्तों अपने पास, जैसे कि WWW क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या है। दोस्तों इस बार अगर मैं कहूं तो जो अभी पिछले एग्जाम्स हुए थे, या सैंपल पेपर भी आता है बोर्ड का, उसमें बहुत बार क्वेश्चन यहां से एक जरूर बनता है दोस्तों। मैं कह सकता हूं कि एक बनेगा आपके पास WWW को लेकर के, ऐसे ही XML को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं, URL को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, वेबसाइट और वेब पेजेस को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, होस्टिंग, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास।
ऐसे ही हम थर्ड टॉपिक पे जाएंगे जिसमें आएगा अपने पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, उनकी नीड क्या, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में देखेंगे रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या है, टपल क्या है, डोमेन क्या है, डिग्री क्या है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से एसक्यूएल में हम बात करेंगे यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के, डीडीएल को लेकर के, डीएमएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसी टाइप से हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स को लेकर के बात करेंगे, कैसे हम अपने टेबल को या डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं अपने डेटाबेसेस को, टेबल को हम लोग यहाँ पर क्रिएट, शो, डिस्क्राइब, ऑल्टर, ड्रॉप ये ऐसे कुछ कर सकते हैं। टेबल के अंदर दोस्तों रिकॉर्ड को हम इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट या फिर अलग अलग टाइप के ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एलियासेस क्रिएट कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉजेस लगा सकते हैं, वेयर क्लॉज लगाएंगे हम लोग, इन है, बिटवीन है, ऑर्डर बाय है, ठीक है। इसी टाइप से नल को कैसे आप मेंटेन करेंगे, नल वैल्यू को, इज नल, इज नॉट नल, लाइक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है दोस्तों। और लास्ट में जाते हुए हम देखेंगे यहाँ पर ज्वाइन को लेकर के, इक्वी ज्वाइन क्या है और नेचुरल ज्वाइन क्या है, इन दोनों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स आपके पास थ्योरिटिकल भी होंगे और कुछ टॉपिक्स आपके पास प्रैक्टिकल भी होंगे। जैसे कि डेटाबेस के कॉन्सेप्ट थ्योरिटिकल है, बट वो पूरा मैं एसक्यूएल के अंदर जो करके दिखाऊंगा वो पूरा प्रैक्टिकल होगा। इसी टाइप से हम यहाँ पर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे दोस्तों, वो पूरा का पूरा थ्योरिटिकल होने वाला है, लेकिन दोस्तों पाइथन जो आपके पास है वो लगभग पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों यहाँ पर थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो टॉपिक्स आने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ भी डाउट, कुछ भी आपको कहना है तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।